अच्छा, बॉक्सेस बन जाते हैं ऐसे। ठीक है भाई, देख तो ले, इसमें पैसे जो है जबरदस्त। वो यहाँ आ जाएंगे, कार्ड है यहाँ, पैसे लग जाते हैं, ठीक है। और ये लिफाफा है इसका, ये लिफाफे में आ जाते हैं अंदर। ये इस तरह है कि यहाँ पे डैश की ईदी, जैसे मोहम्मद अहमद की ईदी, मोहम्मद मुस्तफा की ईदी, सही, वो आप लोग नाम नाम लिख लिख के देंगे। दे सकते हैं। और ये 120 का है, इसके अंदर 15 पीस है। ये अच्छा छोटा है लेकिन एलिगेंट सा है, इसके अंदर पेपर की क्वालिटी अलग है। ये 120 ठीक रुपए है, का है। ईदी हो गई, बच्चे खुश भी हो गए, ईदी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताबिश चौहान। खुशियों भरी मीठी ईद में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो होती है ईदी। और बच्चों को अगर कड़क कड़क नोट ना दिए जाए तो उनकी ईदी होती है बिल्कुल अधूरी। तो इसी सिलसिले में आज मैं एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ ईदी के एनवलप बनाए जाते हैं, और ये कराची की सबसे पुरानी होलसेल मार्केट है। तो आज हम आपको इस मार्केट में दिखाएंगे कि इनके पास कौन कौन से एनवलप ईदी वाले आए हुए हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आप भी जानते रहें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, अपना तारुफ कराएं। सर। समीर नाम है मेरा, ये हमारी पेपर मार्केट की तरफ ये शॉप है। और ताज एड्रेस क्या है? एड्रेस जो है हमारा, ये ताज पेपर सेंटर है, शॉप नंबर 2, अच्छा ये शारे लिया करते, नियर ठीक है, बोतल गली पेपर मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, अभी ईद आने वाली है, ठीक है, तो ईद की तैयारियां भी चल रहे हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कुछ सालों से कि बच्चों को ईदियाँ वगैरह जैसे हम देते हैं, तो उसके लिए क्या आइटम होते हैं ज़रा वो दिखाएं और उनके प्राइजेज बताइएगा। ये नया आइटम है और ये 180 रुपये का पैकेट है, और अच्छा इसके अंदर जो है वो 5 पीस है। ये फ्लैप अच्छा खुलता है, इसके अंदर ठीक जो है है, वो पैसे अंदर आ जाते हैं। अच्छा ये और पैसे इसी हैं, तरह के दूसरे भी हैं, अभी नए आइटम हैं, वो इंशाल्लाह अभी लॉन्च करेंगे 1-2 दिन में, ठीक है, वो तो भी ये आएंगे। आइटम अभी आपने डिस्प्ले नहीं किए जो हमें दिखा रहे कुछ हैं। डिस्प्ले हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा ठीक होलसेल हम लोग दुकानदारों को है जी, देते ये हैं। देखे, ये ईद मुबारक लिखा हुआ है, और ये ऐसे बड़ा यूनिक किस्म का आइटम है ये। और सर इसके प्राइस भी ज़रा बताए ना। प्राइस इसके जो है 180 है, और इसके अंदर 5 पीस है, पैकेट ऑफ 180 और 5 पीस है, जी। ये ये थाउजेंड लूज में रुप नहीं है ये 1000 रुपीस निकाल करें, वन जी, थाउजेंड रुपीज निकाल के एटी हैं। ईदी नहीं चाहिए। ईदी तो आप लोग देंगे ना। अच्छा, चले और दूसरी वैरायटी दिखाएं कुछ। दूसरी वैरायटी आप ये वाली है, 220 रुपये का है, और ये अप अच्छा डाउन होके खुलता है, और इसके अंदर पैकेट के अंदर जो है वो 3 पीस है, तीन कलर के हैं, जबरदस्त, लेकिन ये पैकेट पूरा आता है, लूज में नहीं मिलते ये। अच्छा पूरा पैकेट हाँ, मिलेगा हमारे ये, यहाँ पूरा पैकेट मिलेगा, लूज में नहीं और मिलेंगे। इसके प्राइस क्या बताएं? इसके प्राइस आपको मैंने बताए हैं 220 रुपये, टू अच्छा ट्वेंटी इसमें पैसे कहाँ रखते हैं ईदी? पैसे इसमें यहाँ रखते हैं, आप रख के दिखाएं इसमें। अब वो आपके ऊपर है, आप 1000 रुपये रखें या 5000 रुपये रखें। सही बात है। इसमें 3 कलर हैं, इसके कलर भी दिखा दें आप। ठीक हो गया है, अच्छा ये ठीक हो, ऐसे यहाँ पे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये भी ज़रा नया है तो इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा ना अभी साइड, नया है ना, यूज नहीं हुआ। जी, हाँ, तो साइड करके फिर पैसे ऐसे रख के, ये वो हो आराम गई से जाते हैं। ईदी हो गई, बच्चे खुश भी हो गए, ईदी हो गई, ठीक है। और दूसरी वैरायटी क्या है एक और नया आइटम है, इसके? अभी ये अच्छा कलर वन भी दिखाए ना, इसके कलर भी दिखा दें, इसके 3 कलर हैं। ठीक है, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है, और रेड है। और दूसरा आइटम दिखाए, मतलब ये आइटम अभी बिल्कुल इस साल के लेटेस्ट है। जी, ये अभी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, ये बिल्कुल नया आइटम अच्छा है ये वाला। ये देखें जी, ये ईद मुबारक, ये और ये बॉक्स भी ऑफ टाइप इसको, का है। अच्छा ये बॉक्सेस बन जाते हैं ऐसे। ठीक है भाई, तो देख ले, इसमें पैसे जो है जबरदस्त। वो यहाँ आ जाएंगे। और इसमें डोरी लग जाएगी, ये क्लोज हो जाएगा डोरी से ना। ठीक है,
और इसमें कितने कलर हैं? इसमें कलर एक ही है, इसमें कलर नहीं है। अच्छा, ये खोल के ज़रा दिखाइएगा दोबारा, इसके बैक वगैरह। ठीक हो गया है, मतलब यहाँ पर पैसे रख के यूँ फोल्ड करना है। ठीक है, और ये इसका बैक साइड, ये बैक प्रिंट आ गया इसका। ठीक हो गया है। और इसके प्राइस? इसके प्राइस आपको पड़ेंगे 230 का है, इसके अंदर 10 पीस है। ठीक हो गया, 230 का है, 10 पीस है। अच्छा सर, ये जो रखे हुए हैं ये भी सब ईद कलेक्शन है? सारे ईद मुबारक है। ये टक कार्ड है। ठीक है, ये टक कार्ड में जो है इधर पैसे लगते हैं, ये लिफाफे के अंदर जाता है। ये पैकेट जो है ये 10 पीसेस का पैकेट है, ये लूज नहीं है हमारे पास। जो भी पैकेट है वो पैकेट के हिसाब से मिलते हैं, यानी 10 पीस। एक जरा दिखाएं पैकेट कोई सा भी। कार्ड है, यहाँ पैसे लग जाते हैं। ठीक है, और ये लिफाफा है इसका, ये लिफाफे में आ जाते हैं अंदर। ये क्या प्राइस बताया आपने इसके? ये 60 रुपीज़ का है। अच्छा, ये 60 रुपीज़। ठीक है, कितने पीस है? 10। 10 पीस होगा। अच्छा, ये सारे इसके डिज़ाइन लगे हुए हैं। ठीक है, व्यूअर देख लें, ज़बरदस्त। तो ईद ही आपके इसी में ही देनी है। ईद कार्ड भी है हमारी और ये होलसेल मार्केट है बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ टाइमिंग वगैरह क्या है वैसे? ये जो आपने मेला सजाया हुआ है, ये दूर दूर तक ये सारे माशाल्लाह आपके स्टॉल है, ईद कार्ड्स वगैरह है, ज़रा टाइमिंग भी बताएं ना। टाइमिंग ये है, सुबह 11:30 बजे से जो है फिर नमाज के लिए बंद होती है। ठीक है, रोजे से पहले थोड़ी देर बंद करते हैं, फिर अफ्तारी के बाद खुल जाता है। अब तो 10 रोजे निकल गए। ठीक है, फिर रात तक बैठे होते हैं, 1:30-2 बजे तक तो होते हैं। ठीक है, वैसे जो है पहले तो बंद 10 रोजे तक नहीं थी, 10 रोजे के बाद जो है हम लोग 1:30-2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक है बिल्कुल होते हैं रात में, यानी कि चांद रात तक यही सिलसिला रहे, चांद रात तक जो है यहाँ पे ड्यूटी है बिल्कुल। ठीक हो गया, अब नमाज के टाइम जो है वो क्लोज हो जाता है। और ये जो आइटम रखे हुए हैं थोड़ा, ये सब अलग अलग आइटम है। ये वाले तो मैंने आपको दिखा दिए थे, ये दिखा दिए थे, ये अलग है। ये इस तरह है कि यहाँ पे डैश की ईदी, जैसे मोहम्मद अहमद की ईदी, मोहम्मद मुस्तफा की ईदी, वो आप लोग नाम लिख के दे सकते हैं। और इसमें भी काफी सारे डिजाइन है। ये 100 रुपीज का, इसके अंदर 20 पीस है। अच्छा, और मतलब ये 1, 2 और ये 3 आइटम जो आपने मुझे अंदर शॉप में दिखाए थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट है इस साल के, यूनिक आइटम बिल्कुल। ठीक हो गया, और ये भी आइटम है जरा, ये एक ऐसे वाले हैं, ये भी नया आइटम है। अच्छा, इसके अंदर ये 2 पुराने हैं और इसके अंदर 4 जो हैं ये नए डिजाइन है। ये 1 है, ये 2, ये वाला 1, 2, 3 और ये 4। ये लेकिन लूज नहीं है मेरे पास, ये पैकेट के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल पैकेट ही देते हैं, ये का पैकेट है। अच्छा, ये और इसमें पैसे यहाँ लग जाते हैं। ठीक है, पैसे तो वैसे प्रिंट हो इसमें लगा दे, जबरदस्त। ये क्या प्राइस है सर? ये 200 का पैकेट है। 200 का पैकेट है, और कितने पीस है? 10 पीस है। 10 पीस है ये सारे, ये यही आइटम है ये जो आपने 4 दिखाए? 4 आइटम है, ये थोड़े पुराने हैं, 20 साल के, लेकिन चलते हैं, ऐसा नहीं चलते। सही बात है, सभी चलता है। फिर इसके रेट के भी कम है, तो इस वजह से ये निकल जाते हैं रेट के हिसाब से, जैसे होते हैं ये 150 के हैं। अच्छा, इसका रेट पिछले साल का है तो कम है। ठीक हो गया, और ये वाला अलग है इस तरह के, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 आइटम है। ठीक है, और ये जो है ये बुक वाला है इस तरह ना। अच्छा, ये बुक से स्टाइल हो गया। ठीक हो गया, पैसे इसमें यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह क्लोज हो जाती है। इसी तरह ये दूसरा आइटम है जो मैंने आपको बुक वाला दिखाया था। ठीक है, इसमें पेपर थे बुक स्टाइल का, ये भी बुक स्टाइल है लेकिन इसके अंदर पेपर नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ अटक जाते हैं और ये इस तरह क्लोज हो जाता है। और इसके प्राइस? इसके प्राइस 120 है, इसके अंदर जो है 10 पीस है। अच्छा, ठीक हो गया। इसमें भी कुछ कलर रेंज वगैरह है, कुछ डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइन है, 4 डिज़ाइन है, 4 डिज़ाइन ख़त्म हो गया अभी। ठीक हो गया, और रिस्पांस वगैरह कैसा है, लोग पसंद करते हैं? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग पसंद करते हैं।
पे वैरायटी काफी सारी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ले ही जाता है। और कितने जब वैरायटी होती है तो कुछ समझ आ ही जाता है। सही बात है। और कितने टाइम से लगा रहे हैं आप ये सेटअप? 20 से 25 साल हो गए लगा रहे। अच्छा, 20 से 25 साल से लगाते आ रहे हैं। बेचते थे। अच्छा, अभी कार्ड का दौर खत्म हो गया नहीं? थोड़े बहुत लोग अभी आ रहे हैं मार्केट में, तो वापस लगाए हैं। कार्ड वगैरह भी रखे हैं कुछ, जिन आजाद को ईद कार्ड चाहिए हो वो भी आ सकते हैं। ये वेलवेट में, ये कार्ड में। अच्छा, ये वेलवेट वाले हैं, ये वेलवेट में बनी है। सही। ये इसका इन्वेलप है। ठीक है। ये वेलवेट में, ये इसका इन्वेलप है। ये भी वेलवेट। अच्छा, इनके सबके मुख्तलिफ प्राइजेज हैं? जी, इसके मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो ईद एनवेलप पे है ना? हाँ। तो जो मांगने आते हैं वो फिर खाली हाथ नहीं जाए, वो इस वजह से जो है वो ईद के लिए। अच्छा, ये क्या वुड में बने हुए? ये वुड में। ये क्या प्राइस होते हैं ये जरा दिखाएं कुछ आइटम? अच्छे सारे ही अच्छे हैं इसके, मतलब जो न्यू आइटम है मतलब ये सब न्यू है। अच्छा, हाँ, ये लेजर कटिंग हुई है, ये वुड में है। ये 60 रुपए का है, 60 रुपीज होलसेल है, लेकिन क्वान्टिटी में एक दो पीस होंगे तो 80 या 100 रुपए उसके हिसाब से। पीस खोल के दिखाएंगे सर? इसमें स्मॉल भी है। अच्छा, ये एनवेलप है इसका? जी। और ये गोल्डन कार्ड है, ये वुडिंग है। सही। इसमें नॉर्मल भी मिल जाते हैं, बेस्ट पीसेस वगैरह के भी। ठीक। ये सबके सेम प्राइस है वुड वाले? जी, निशान आपको बताया कि क्वांटिटी लेंगे तो 60 रुपए का है। ठीक है। अगर से 1, 2, 5, 10 होंगे तो उसके हिसाब से 80-100 रुपए इस तरह है। अच्छा, ये क्वांटिटी के हिसाब से है। तो अगर किसी को वन पीस लेना है सपोज, तो ये होता है कि 80 रुपए का दे देते हैं, बहुत ज्यादा वन पीस लेना है तो। बस ख्याल कीजिएगा जो भी है, वीडियो देख के, वीडियो देख के 80 रुपए बताएं, वैसे 100 रुपीस का देते हैं। और सर ये जो रखे हुए, ये तो नॉर्मली आइटम है सब, ये भी चलते हैं? ये सब चलते हैं। ये प्रिंट हुआ है, इसमें फॉइल प्रिंटिंग हुई है। ये 100 रुपीस का पैकेट है, इसके अंदर 20 पीस है। ठीक है। और ईद कलेक्शन ये जैसे रखी हुई है थोड़ा, ये भी कुछ आइटम वैरायटी तो आपके वहाँ माशाल्लाह बहुत नजर आ रही है। तो माशाल्लाह काफी सारी है। अगर हम सारी एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना? बिल्कुल। तो आप जो मेन आइटम है ईद के हवाले से जरा वो उनके प्राइसेस वगैरह बता दें। कार्टून वाले भी हैं, सादे भी हैं, बगैर कैरेक्टर के भी हैं। ये 120 का है, इसके अंदर 15 पीस है। अच्छा, ये छोटा है लेकिन एलिगेंट सा है, इसके अंदर पेपर की क्वालिटी अलग है। ये 120 रुपए का है, इसमें ये बड़ा है, और ये 150 का है, इसके अंदर जो है 20 पीस है। और सिंगल में भी है, इस तरह भी काफी सारी डिजाइन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 5 डिजाइन है। अच्छा। तीन तो ये रहे, 2 डिजाइन और हैं। ये भी पूरा पैकेट होता है या सिंगल सिंगल होता है? सिंगल पीस है। अच्छा, 1 पीस होते हैं। ठीक हो गया। तो एक जरा ये खोल के तो दिखाइए कैसा होता है। जी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये इस तरह होता है। और उसके बीच में जो है इधर पैसे आ जाते हैं। ठीक हो गया। ना जिसको ईदी देनी है वो इधर आ जाएगी। और इसके प्राइस क्या बताया आपने? इसके प्राइस जो है वो 20 से 25 रुपए तक होता है, क्वांटिटी के हिसाब। अच्छा, से होती है। सही। यानी कि कराची की होलसेल मार्केट है ये, और ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो फिर ये 18 रुपए है। जैसी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से जो है इसके रेट है। अच्छा, ये रखे हुए थोड़े, ये सारे यानी के मुख्तलिफ डिजाइनिंग। ठीक हो गया। आपको प्लेन में भी मिल जाएंगे, ईद मुबारक, ये मोटे कार्ड में है, ये ईद मुबारक है, ये प्लेन पेपर में। सही। ये भी अच्छे हैं, ये पर्ल पेपर में है, पर्ल कार्ड में इस तरह। सही। ये भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके क्या प्राइस है पर्ल वाले के? ये 150 से 200 तक के हैं, जैसे मटेरियल है उसके हिसाब से है। ये व्हाइट वाले हैं, ये अलग है। ये क्या हिसाब होते हैं प्लेन वाले? 120 से 150 रुपए तक के होते हैं, 50 पीस होते हैं। अच्छा, ये और ये भी रखे हैं। ये क्या है? ये 80 रुपीस का है। अच्छा, इसमें भी 25 पीस है? इसमें भी 20 से 25 है। अच्छा, ठीक हो गया। वैरायटी काफी सारी है तो याद नहीं रहती है। सही बात। ये 80 रुपए का पैकेट है, इसके अंदर 20 है। ठीक है। ये वाली भी, इसमें प्लेन बगैर ईद मुबारक के भी है, और डिजाइन भी है इसके अंदर काफी सारे। वैरायटी तो काफी सारी है। और ये बाहर आपने स्पेशल ये यानी कि ईद कलेक्शन लगाई भी है?
जी देखिए आप इसमें से काफी दिखाएं अपने व्यूअर्स को। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, ये सारे इन्होंने डिजाइनिंग लगाई हुई है। ये बताएं, मैंने देखे अक्सर एनवलप उसमें नाम प्रिंट हुआ होता है, वो क्या कौन सा आइटम होता है, वो क्या प्रिंट करवाने पड़ते हैं? जी वो प्रिंट कराने पड़ते हैं, वो इस तरह होते हैं। अच्छा रखे हुए हैं आपके पास? ये रखे हुए हैं, ये डिस्प्ले आपको दिखाने के लिए, ये नाम छप जाते हैं इस तरह प्रिंटिंग के। इसका पैकेज जो है वो 150 रुपए का है और किसी के अंदर 10 पीस होते हैं, किसी के अंदर 15 पीस होते हैं। अच्छा, और प्रिंटिंग चार्जेस जो है वो 500 रुपीज होती है सैकड़ा के, यानी 100 के 100 पीस, और 100 से ऊपर होंगे तो 300 रुपीज नेक्स्ट सैकड़ा पे जाएंगे। और ये कितने टाइम में मिल जाते हैं? 2-3 दिन में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा 2 से 3 दिन में मिल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये नाम प्रिंट हुए हैं और रेट भाई ने बता दिया आपको, अब आप डिजाइन पसंद करें और प्रिंट करवाएं। इसमें काफी सारे डिजाइन हैं, बाहर भी लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डिजाइन इसके ना, जो प्लेन में आते हैं, कोई प्लेन वाले का छपाता है इस तरह के, कोई इस तरह फ्लावर वाले भी छपाते हैं। कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये ईद वगैरह पे तो नहीं चलता? ईद के अलावा भी चलते हैं, ईद में भी चलते हैं, ईद में भी चलते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी चलते हैं, शादी ब्याह वगैरह में तकरीबन। एक ही बंदे का नाम 100? एक ही बंदे का नाम 100 में आता है। अच्छा, और दूसरे बंदे का होगा तो उसके 500 रुपीज जो है वो अलग से प्रिंटिंग के नाम के जाते हैं। तो ये ईदी में तो नहीं चलेगा यार? ईदी में भी चलते हैं और नॉर्मल भी चलते हैं। अब इसके ऊपर ईदी में चलवाना है तो ईदी के साथ जो है ये जैसे नाम के साथ ईद मुबारक भी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, नाम के साथ इधर भी आ सकता है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईद मुबारक लिखवाएं या नहीं। बहुत से लोग खाली नाम लिखवाते हैं, मिस्टर एंड मिसेस करके लिखवाते हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर बेस्ट विशेस लिखवाते हैं। अच्छा सर, ये जो आइटम रखे हुए हैं ये कौन से? इसमें नाम प्रिंट होते हैं, नॉर्मल जो चलते हैं शादी वगैरह में भी चल सकते हैं ये सारे। हाँ, इसमें नाम के साथ ईद मुबारक अभी इस तरह लिखवा सकते हैं ईद में देने के लिए। ये सारे जो रखे हुए हैं सब में नाम प्रिंट हो जाते हैं, नाम प्रिंट हो जाते हैं। काफी सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है जो ईद के बाद चलाते हैं। ठीक हो गया, यही रमजान से पहले चलाते हैं, वो अभी क्लोज कर देते हैं क्योंकि ईद के सीजन के हिसाब से होते ना। ठीक, फिर वो नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोबिल है। शोबिल, अच्छा ये बताएं आपके ईद में ईदी कौन से एनवलप में लेनी है आपको? हमें तो इसमें चाहिए। अच्छा इसमें चाहिए, और कितनी चाहिए? जो दे दें वो दे दें जितने लेते। अच्छा जो खुशी से मिल जाए, भाई जबरदस्त, ये देखे कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा इसमें लेनी है ईदी आपको? जी दिखाएं, खोल के जरा इसको। अच्छा, और बंद करें इसको। ठीक हो गया भाई। नाम है बेटा? मोहम्मद असाफ। मोहम्मद असाफ, इस ईद पे ईदी किसमें लेंगे आप, कौन से एनवलप पे लेनी है आपको? ये वाले एनवलप पे। अच्छा ये वाले एनवलप पे, और कितनी ईदी लेंगे? जो अम्मी अब्बू लेंगे। अच्छा जो अम्मी अब्बू दे दे खुशी से भाई। ठीक है, जबरदस्त। व्यूअर्स, हमने आपको ईद एनवलप की मार्केट का विजिट कराया, यहाँ पे कौन कौन से एनवलप दस्तियाब थे, किन किन कीमतों पे थे वो हमने आपको दिखाए, और आप भी इधर आए अपनी ईद की खुशियों को दुबाला बनाएं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।